हम देखते हैं गोगू बुलमा से पूछता है कि बुलमा क्या हम अब बात कर सकते हैं। तब बुलमा मान जाती है और अर्थ के बाकी वॉरियर्स को भी इनविटेशन भेजती है अपने घर आने के लिए। इतने शॉर्ट नोटिस में सारे वॉरियर्स इंक्लूडिंग गोकू, वेजिटा, यामचा, बुलमा के साथ तियान, क्रिलिन और पिकालो भी शामिल थे। ये सब एक बड़े टेबल पर एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे थे। गोकू और वेजिटा ने बताया कि वो पैरेलल टाइमलाइन से है और यहाँ गलती से आ गए हैं। सभी हीरोज को अपनी सिचुएशन समझाने के बाद गोकू और वेजिटा पूछते हैं कि मेरी एब्सेंस में अर्थ में क्या क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ सब चीजें बदली बदली है। तभी गोकू को पता चलता है कि इस टाइमलाइन में गोकू कभी अर्थ पे आया ही नहीं है, इसलिए सभी जी वॉरियर्स को उसकी एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है। इसलिए गोकू को कोई पहचान भी नहीं पा रहा कि गोकू कौन है। इस यूनिवर्स में बुलमा भी ड्रैगन बॉल के पीछे जाती है। जर्नी के दौरान यामचा और बुलमा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। गोकू पूछता है कि बुलमा तुमने 4 ड्रैगन बॉल कैसे अटेन किया, अगर मैं नहीं था तो तुम्हारी मदद किसने की थी? बुलमा कहती है कि ग्रैंडपा गोहान ने मेरी मदद की थी, वो बहुत ही अच्छे थे। फिर गोकू सोचता है कि मेरे वजह से मैंने अपने ग्रैंडफादर को मारा था और अगर मैं जब यहाँ आया ही नहीं तो मतलब ग्रैंडपा गोहान तो अभी जिंदा होंगे। लेकिन बुलमा बताती है कि इस दुनिया में ग्रैंडपा गोहान अभी कुछ साल पहले ही मरे हैं और वो भी ओल्ड एज के कारण। और इस टाइमलाइन में क्रिलिन भी मास्टर रोशी का स्टूडेंट बन गया है और दोनों ने 21st मार्शल एट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। मास्टर रोशी ने अपने आप को जैकी चैन में डिस्गाइज किया और टूर्नामेंट जीत गए थे। रेड रिबन आर्मी ने कोशिश किया कि वो वर्ल्ड डोमिनेट करे, लेकिन मास्टर रोशी, क्रिलिन और यामचा साथ मिल गए इन बुरी पावर्स के खिलाफ। और इसके बाद जब 22nd टूर्नामेंट हुआ और इस बार टीएन विनर बना, फिर मास्टर रोशी ने टीएन को कन्विंस किया कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, मर्डरर नहीं। टूर्नामेंट के बाद किंग पिकोलो और उसके चमचो ने अपने प्लान इनिशिएट किया और चात्सू, क्रिलिन और मास्टर रोशी को मार दिया था। तब टीएन और यामचा ने बहुत ट्रेनिंग करी, मिनियंस को हराने में सक्सेसफुल हुए। वही टीएन मुफुबा की हेल्प से ग्रेट डीमन किंग को डिफीट कर दिया था। मुफुबा टीएन ने मास्टर रोशी को देखकर सीखा था। कुछ साल बाद किंग पिकोलो का सन आता है 23rd वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में। कामी सामा ने ये पहले ही सोच लिया था, इसलिए उन्होंने यामचा, टीएन और क्रिलिन को ट्रेन करने के लिए सेलेस्टियल प्लेटफॉर्म में बुला लिया था। पिकोलो जूनियर से तीनों ने मिलकर अच्छा मुकाबला किया और पिकोलो जूनियर को भी हरा दिया था। ये सब बुलमा गोकू और वेजिटा को बताती है कि इस टाइमलाइन में अभी तक क्या हुआ है। ये सब सुनने के बाद गोकू पूछता है फिर पिकोलो तुम फाइट को कैसे सर्वाइव किए, क्योंकि मेरी दुनिया में मैंने तुम्हारी लाइफ बच दी थी। पिकोलो फिर कहता है अर्थ वॉरियर उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे ताकि कामिसामा भी ना मरे, लेकिन फाइट के बाद मुझे कामिसामा ने मुफुबा की हेल्प से बहुत साल तक बंदी और कैद में रखा था। वेजिटा फिर ये सुन के पूछता है कि क्या अर्थ में तुमने कोई सयन देखा है? तो पिकोलो कहता है नहीं नहीं वेजिटा, कोई भी मैंने आज तक अभी तक सयन नहीं देखा है। वेजिटा को लगा कि गोकू की एग्जिस्टेंस अर्थ में है ही नहीं, मतलब कि गोकू को यहाँ भेजा ही नहीं गया है। तो फिर रैडिट्स के पास कोई रीजन ही नहीं था अर्थ पर आने का, ना ही मेरा आने का, ना ही नापा के पास। फिर गोकू ने कंक्लूजन निकाला कि अगर इन लोगों को सयन से एनकाउंटर नहीं हुआ है तो ये नामक प्लैनेट भी नहीं गए होंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ इसलिए गए थे मेरे प्लैनेट पे ताकि वो अपने कॉमरेड्स को बचा सके सयन से। सभी ने गोकू और वेजिटा को सस्पिशियस कंफर्म किया कि हाँ वो लोग कभी कोई नाम के प्लेस पे नहीं गए हैं। गोकू फिर इस टाइमलाइन के लोगों से पूछता है कि तुम्हें कभी कोई एंड्रॉइड से प्रॉब्लम हुआ है अभी तक? तब बाकी हीरोज ने बताया कि जब रेड रिबन आर्मी बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसके बचे कुछ मेंबर जिनका नाम डॉक्टर गैरो, उन्होंने पावरफुल एंड्रॉइड्स बनाए हीरो को डिफीट करने के लिए। वेजिटा फिर पूछता है कि तुम लोगों ने एंड्रॉइड्स को मैनेज कैसे किया, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सैयंस बहुत परेशान थे एंड्रॉइड्स को लेके। मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग उनका सामना कर पाए होंगे, तुम लोग की तो हालत खराब हो गई होगी एंड्रॉइड के सामने। तब बाकी हीरोज ने बताया कि जब हमें पता लगा कि एंड्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तब कामिसामा ने हमें हाइपरबोलिक टाइम कैप्सूल के बारे में बताया, जिसमें हम लोग बहुत सालों तक ट्रेनिंग कर सकते हैं और रियल लाइफ में कुछ ही समय बीतता है, लेकिन उतने साल की ट्रेनिंग करने के बाद भी हम लोग एंड्रॉइड्स को नहीं हरा पाए। तब कामिसामा ने फैसला किया कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ देंगे और पिकोलो के साथ मर्ज हो जाएंगे। पिकोलो उसके पहले वर्जन में था, लेकिन अब वो फ्री हो चुका था एंड्रॉइड्स को डिस्ट्रक्शन करने के पर्पस के लिए।
पिकलो के पास अब बहुत पावर आ चुकी थी और कामिसामा की काल्मर पर्सनालिटी भी। पिकलो सक्सेसफुल रहा एंड्रॉइड्स को डिफीट करने में और बाकियों ने उसका साथ भी दिया था। गोकू ये सब जान के बहुत शॉक हो जाता है कि एंड्रॉइड्स को इन लोगों ने मिल के आराम से हरा दिया था और इतना ताकतवर पिकलो हो चुका है। गोकू फिर पूछता है कि पिकलो तुमने ये सब कैसे किया? अगर तुम कभी नामक गए ही नहीं, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में पिकलो ने नेल के साथ मर्ज होके एंड्रॉइड 17 और 18 को हराया था। वेजिटा फिर कहता है कि शायद यहाँ के एंड्रॉइड्स हमारे टाइमलाइन से बहुत ही वीक होंगे और ट्रंक टाइमलाइन से भी, क्योंकि अगर गोकू यहाँ आया ही नहीं तो सभी चीजें अलग तरीके से होने लगी होगी यहाँ। गोकू फिर कहता है हमारे टाइमलाइन में क्रिलिन एंड्रॉइड 18 से शादी कर लेता है, लेकिन यहाँ ये क्यों नहीं हुआ? क्रिलिन इस बात को सुन के जल्दी ऑब्जेक्ट करके बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि एंड्रॉइड 18 बहुत ही ईवेल थी, वो बहुत ही शैतान थी, मेरा कभी उसके साथ मेल बैठ ही नहीं सकता है। वेजिटा पूछता है कि तुम लोगों ने माजिद बू से कैसे डील किया, क्योंकि अब तक तो वो बहुत पावरफुल हो गया होगा और पिकलो भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो माजिद बू का मुकाबला कर सके, क्योंकि माजिद बू एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट है। तब बाकी हीरोज ने बताया कि माजिन के आने के कुछ समय पहले ही सुप्रीम काय ने आकर हम सबको वार्न कर दिया था कि बाबिडी के प्लान के बारे में। तो हम सभी लोग काय के प्लान पे चले गए थे, जहां एंशियंट कोशिन ने कुछ रिचुअल्स की थी उनके इनर पावर को बाहर लाने के लिए, जिसके हेल्प से सभी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिसमें पिकलो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया था। वो अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकता था। गोकू फिर कहता है ये क्वेश्चन एक ओल्ड स्वॉर्ड में कैप्चर था क्या? फिर बाकी हीरोज कहते हैं कि यहाँ कोई स्वॉर्ड कैप्चर नहीं हुआ था, इसका मतलब इस यूनिवर्स में बीरस क्वेश्चन को कैप्चर नहीं किया था। फिर बाकी लोगों ने अपनी स्टोरीज को बताना कंटिन्यू किया कि कैसे बाबडी के बाद अर्थ बहुत पीसफुल हो चुका था, शांत हो चुका था, लेकिन हीरोज ने कभी ट्रेनिंग बंद नहीं किया, क्योंकि हीरोज फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर होना चाहते थे, कहीं अगर फ्यूचर में विलन आ जाए तो वो लोग हर वक्त तैयार रहे अपने प्लैनेट और अपने लोगों को बचाने के लिए। ये सब सुनने के बाद वेजिटा और गोकू सोचते हैं कि ये भी सही है, अगर साइंस अर्थ पर नहीं होंगे तो बीरस फ्रीजा और मोरो के पास कोई रीजन ही नहीं है अर्थ पर आने का। यूनिवर्स 7 भी खत्म नहीं हुआ होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर में, क्योंकि टूर्नामेंट तो तभी हुआ होगा जब गोकू ने फ्यूचर जेनो को अपने टाइमलाइन में बुला लिया था। इसका मतलब इस टाइमलाइन में टूर्नामेंट ऑफ पावर भी नहीं हुआ है। गोकू पूछता है फिर इन लोगों से, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टू एंड्रॉइड्स गामा 1 और गामा 2 ने कोई ट्रबल नहीं किया इस टाइमलाइन में आके? तब हीरोज के तरफ से आंसर आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गामा 1 कोई गामा 2 तरह के एंड्रॉइड्स नहीं आए थे हमें तंग करने के लिए। फिर वेजिटा इस कंक्लूजन पे आता है कि इस टाइमलाइन में यह इवेंट अभी तक नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं। फिर गोकू कहता है एक एंड्रॉइड जिसका नाम सेल मैच था, वो आया था क्या इस प्लैनेट पे जब हम प्लैनेट से दूर थे तो? लेकिन सभी हीरोज को सेल मैक्स की एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं है कि सेल मैक्स कौन है, वो क्या है। वेजिटा और गोकू इस टाइमलाइन को लेकर बहुत ही क्यूरियस हो रहे थे कि अभी फ्रीजा क्या कर रहा होगा, या फिर गोकू को अभी तक अर्थ पर क्यों नहीं भेजा गया है। वेजिटा ने बताया कि गोकू को अर्थ पर तभी भेजा गया था जब प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने लगा था, और गोकू अगर यहाँ नहीं आया है मतलब कि गोकू डिस्ट्रक्शन के साथ या तो खत्म हो गया होगा या फिर प्लैनेट वेजिटा अभी भी सेफ है। इसके बाद गोकू और वेजिटा प्लैनेट वेजिटा को देखने के लिए वहां जाने के सोचते हैं, क्योंकि वेजिटा को प्लैनेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता था, इसलिए वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से गोकू और वेजिटा प्लैनेट वेजिटा पहुंच जाते हैं। वही टेबल पर सभी हैरान हो जाते हैं उन दोनों को ऐसे गायब होते देख के। इधर वेजिटा और गोकू प्लैनेट वेजिटा पहुंच जाते हैं और अपने प्लैनेट को सही सलामत पाके देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी इस प्लैनेट को दोबारा देख पाऊंगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कैकरॉट। गोकू कहता है कि यह क्या हुआ है जो ये प्लैनेट अभी तक यही है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है वेजिटा। वेजिटा फिर कहता है कि शायद फ्रीजा ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा, या फिर फ्रीजा एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा इस टाइमलाइन में। ये सब का आंसर जानने के लिए हमें खुद से मिलना होगा कैकरॉट। तभी गोकू और वेजिटा को कुछ साइंस दिखते हैं जो बहुत स्पीड में उनकी तरफ आ रहे थे, और आते ही साइंस गोकू और वेजिटा को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें दो लोगों की सडन अराइवल का सिग्नल मिला था, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। सारे सोल्जर्स दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की शक्ल किंग वेजिटा और कैकरॉट से मिलती है।
तब गोकू और वेजिटा को पता चलता है कि इस टाइमलाइन में वेजिटा किंग है और गोकू कोई वेल नोन फिगर है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।